थे उनको इस प्रकार से निर्णय लेना पड़ा। और तो और जिनके प्रति निर्णय लिया सीता महारानी, वो सीता महारानी को इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, नहीं तो सीता महारानी तो एक रानी भी थी और एक सामान्य जन नागरिक के हैसियत से वो कोर्ट में आकर प्रभु रामचंद्र को कोर्ट में घसीट सकती थी, भले ही वो राजा क्यों ना हो कि उनके ऊपर अन्याय हुआ करता, लेकिन उस प्रकार से था नहीं ये वातावरण। एक तो सीता महारानी पतिव्रता थी, दूसरा कि जिस कारण से उनको वनवास में रहने के लिए कहा था, वो आश्रम में रहने के लिए कहा था, कि वो कारण प्रभु रामचंद्र को उनके एक राजा के कर्तव्य निभाने के लिए सहायक था। इस प्रकार से हालांकि थोर महिमा है प्रभु रामचंद्र के, आदर्श आचरण है, फिर भी लोग उनमें दोष देखते हैं। तो ऐसे दोष देखने वाले लोग भी प्रभु रामचंद्र के या भगवान कृष्ण के मत से मिलते जुलते नहीं, भगवान के मत का पालन नहीं करते। वो पालन तो करने की दूर की बात, वो केवल दोष देखते ही रहेंगे। वो ये इसलिए ये में मतम इदम नित्यम, कृष्ण के पिछले श्लोक में ये जो उनका मत है उस मत के अनुसार वो चलेंगे नहीं, और क्या करेंगे वो केवल ये पेदत अभ्यस हुयन, तो वो दोष देखेंगे, निंदा करेंगे, दोष देखेंगे इस प्रकार से। और फिर कृष्ण के लीला में भी इसी प्रकार से लोग दोष देखते हैं प्रभु रामचंद्र कृष्ण के लीला में, तो बहुत तो पहले प्रभु रामचंद्र एकदम आदर्शवाद आदर्श रूप लेकर आए। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते थे कि एक पॉइंट की दोष देखने की जो भावना है, पहले तो भगवान आते थे अपना काम करके निपट के चले जाते, उतना आया है उनको, वरना वराहदेव आए ना हिरण्यकश्यप को मार दिया चले गए, नरसिंहदेव आए सर्जरी कर दी हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया चले गए, मत्स्य अवतार आए प्रलय से सत्यवत मुनि को बचाए चले गए, कुर्मा अवतार आए समुद्र मंत्र में सहायता की चले गए, और अजित अवतार आए समुद्र मंत्र में सहायता की चले गए, जो जो परशुराम आए परशुराम जी ने अपना कार्य किया, कर्तव्य अर्जुन को मारा 21 बार क्षत्रियों को पूरी पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिए, और अपना कार्य संपन्न कर न्यूट्रल होकर जाकर तपस्या कर रहे। उसी प्रकार से हर एक अवतार अपना अपना कार्य उतना उतना कार्यभार किया, न्यूट्रल रहे चले गए। लेकिन अगली बार जब उसके बाद जो भगवान लीला करने के लिए जब आए, और जैसे ही अपना ज़्यादा समय लोगों के साथ जब बिताने लगे, तो कम समय में रहा तो बहुत ग्लोरीफाई, उनके प्रति कोई दोष नहीं दिखाएगा, परशुराम के ऊपर कोई दोष नहीं दिखाएगा क्योंकि परशु को देख कर डर जाते हैं, हिरण्यकश्यप के कोई दोष नहीं दिखाएगा क्योंकि हिरण्यकश्यप को दोष दिखाएंगे तो प्रार्थना किसको करेंगे संकट में। तो ये सारे अवतारों के बारे में कोई दोष नहीं देख सकता है, लेकिन रामचंद्र क्योंकि जहाँ पर लाइफ फुल लाइफ कैरेक्टर है उस समय लोगों को, तो उसी प्रकार से जब कोई मेहमान के रूप में आता है हमारे जीवन में हमको, या हमारे घर में या हमारे साथ हमारे व्यवहार में, तो उसके प्रति एक सहज अच्छी भावना होना ये स्वाभाविक है। लेकिन ज़्यादा समय अगर उसके साथ रहा तो भले ही वो कोई भी हो कुछ भी हो, शिक्षा अष्टकम तो बहुत सुंदर बता दें, काफ़ी बार उनके लेक्चर में या हमारे खास ब्रह्मचर्य क्लास में वो काफ़ी बार ऐसे हमको समझा देते कि क्योंकि ये शिक्षा अष्टकम प्रभु ये रघुनाथ स्वामी महाराज उनके पर्सनल सर्वेंट थे, काफ़ी साल तक वो पर्सनल सर्वेंट रहे और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने एक पॉइंट मन में ध्यान में रखा था, बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते थे कि जनरली ऐसे होता है कि हम जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय तक रहना शुरू करते हैं तो उसके दोष देखना, क्योंकि ये मनुष्यों की एक उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक उसका नेचर बन चुका है, एक उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है उस मनुष्य की, तो इसके कारण वो दोष देखना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए तो ज़्यादा समय साथ में रहने के बाद झगड़े हो जाते हैं, शादी होने के बाद झगड़े हो जाते हैं, शादी के पहले कितने घंटों घंटों फ़ोन पर बात करते हैं, शादी जब फिक्स हुई है अभी होने वाली है उसके बाद, और उसके बाद कुछ एक दो साल ठीक से चलता है, उसके बाद कितने झगड़े होने शुरू होते। तो ये कारण है कि स्वाभाविक है कि दोष देखने की प्रवृत्ति। तो वो कहते थे कि ये मुझ में न आए इसलिए मैं बहुत कॉशियस रहता था, केयरफुल रहता था, क्योंकि अल्टीमेटली भले ही गुरु हो या जो भी कोई हो, इस ह्यूमन फॉर्म में जब आ जाते हैं कोई भी जीव, भले ही वो शुद्ध भक्त के स्तर पर ही हो, लेकिन एक ह्यूमन एयर रहता है कि जो एक इन जनरल हमको दिखाई देता है। और बहुत बार तो क्या होता है कि वैष्णवों के कार्य हमको समझ में नहीं आते, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न पूछे, वो अपने विज्ञ से ज्ञान से हम जान नहीं पाते बहुत बार, तो इसलिए अपराध कर बैठते या कुछ गलत सोच बैठते। तो इसके कारण क्या होता है
इसके कारण वो कहते थे कि इसके कारण तो इससे इस अपराध से बोले शिक्षक जब बोले थे उस अपराध से मुझे बचने के लिए मैंने एक बात ठान ली थी क्या कि जब भी महाराज क्लास दे सबके सामने सबके आगे और महाराज के एकदम सामने बैठकर सुनना मुझे और वो अगर मैं सुनता रहूँगा वो कह रहे थे मैं अगर वो सुनता रहूँगा तो मेरे अंदर की जो दोष देखने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं बन पाएगी क्योंकि मैं अच्छे से श्रवण कर रहा हूँ तो श्रवण के माध्यम से वाणी के माध्यम से गुरु का बहुत क्लोज एसोसिएशन तो एक गुरु का फिजिकल एसोसिएशन भी भले ही क्यों ना हो लेकिन क्लोज एसोसिएशन उनको वाणी का बहुत क्लोज एसोसिएशन होना बहुत आवश्यक है इससे व्यक्ति के अंदर की परिपूर्णता मैच्योरिटी उसकी बढ़ती तो इसलिए ये दोष देखने की प्रवृत्ति कॉमन हो जाती है कि कृष्ण की लीला में कितने सारे तो प्रभु भगवान के जो अन्य अवतार आए उसमें रामचंद्र के अवतार आए तो रामचंद्र के अवतार में भी दोष देखने लगे इतना आदर्शवाद होने के बाद भी दोष देखने लगे लोग उनके अंदर तो फिर कृष्ण आए बोले तुमको जो करना है करो मैं अपने हिसाब से कार्य करूँगा और इसलिए पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम आने के बाद भी ये लोग इतना अगर दोष देखने हैं देख रहे हैं तो अभी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो करना है करूँगा इसके साथ भी नाचूंगा इधर भी डांस करूंगा उधर भी रास करूंगा इतनी और पत्नी अभी एक नहीं प्रभु रामचंद्र ने व्रत लिया एक ही पत्नी और कृष्ण का नो एक पत्नी जितना है आज एक इधर गए एक जगह युद्ध किया वहां से जीता उस जीता वो उधर से खुश हो गई उसने उनका हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया शादी हो ऐसे करके आठ विवाह उनके ऐसे हो एक जगह गया एक राजा जरासंध को वध कर कौन था वो नरकासुर उसको वध उसका वध कर दिया उसके बाद उसने बंद करके रखा था इतने सारे रानियों को हजार रानियों कितना कितने हजार 16,000 तो वो सारे रानियों को निकाला बाहर उनको बोला जाओ क्या घरों में नहीं हमको आप ही पति चाहिए उनको स्वीकार करो उसने बोला अच्छा ठीक है आज एडमिशन ओपन नो कंडीशन तो इसलिए कृष्णा पूर्ण पुरुष जो है वो तो उसमें भी दोष देखना स्वाभाविक है स्वाभाविक भी है जब राम में दोष देख सकते हैं तो कृष्ण में तो क्या बात इसलिए कलयुग में अभी कृष्ण आए हैं तो कलयुग में बोले कि अभी मैं भगवान के ऊपर बहुत दोष करते हैं अभी भक्त के रूप में जाऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भक्त के रूप में कृष्ण आए और भक्त के रूप में एक आदर्श उन्होंने प्रस्थापित किया और सन्यासी का एक आदर्श प्रस्थापित किया उनको भी दोष देने के लिए लोग कभी नहीं आए वहाँ पर भी ऐसे ऐसे कांड हो गए कि कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जैसे अमोघ ये सार्वभौम भट्टाचार्य इनका इनके पुत्री का पति बराबर क्या बोलते हैं दामाद उनके दामाद थे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के इतने क्लोज एसोसिएट बहुत नज़दीक के उनके पार्षद हैं और उनको बृहस्पति का अवतार माना जाता था इतने स्कॉलर थे वो बुद्धिमान थे तो उन्हीं का ही दामाद जो चैतन्य महाप्रभु की निंदा किया करता था और अनाप शनाप कुछ भी बकते रहता था कुछ भी दोषारोपण करते रहता था चैतन्य महाप्रभु जब उनके पास उनके घर में आए जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए तो प्रसाद ग्रहण करते समय बहुत सारा सर्विंग अच्छे से सर्विंग भी करने के लिए आता था या हाँ तो उनको बहुत अच्छे सर्विंग कर रहे थे सारो भट्टाचार्य उनको बहुत खिला रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने नहीं नहीं लेकिन भक्तों की इच्छा करके चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार कर रहे थे लेकिन ये आकर वो बहुत कोशिश कर रहे थे बहुत कोशिश थे वो कि ये अमोघ ना आ जाए सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे थे और बराबर अमोघ गलती से क्योंकि ये जब अंदर चले गए थे तो वहाँ पर आया और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे वहाँ पर जोर से देखा देखो 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 ये अपने आप को बड़ा सन्यासी मानता है कितना खाता है जैसे अगर कोई बोले कोई अगर हम लोग अगर किसी को बोले सब जो खा रहे आपके घर में मेहमान आया आप बोले कितनी खातो तो ये इतना सारा सर्विंग है वो वेस्ट चला जाता है कितना खातो कितना खाते हो इतना अगर बोलते तो इस प्रकार से वो दोस्त देख रहा था चैतन्य महाप्रभु एकदम ये हो गए बोले हाँ चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत सकारात्मक रूप से पॉजिटिव से लेते थे कि कैसे अमोघ बोल रहा है वो सही है सन्यासी इतना खाना नहीं चाहिए मैं बहुत भोगी हूँ या मैं बहुत मेरी युवा कंट्रोल में नहीं है मेरा उधर मेरे कंट्रोल में नहीं है इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत सार्वभौम भट्टाचार्य इतना गुस्सा हुआ उसके ऊपर हाथ में डंडा लेकर जो उसके पीछे लगे
मारने के लिए, तो किसी प्रकार से वो भाग गए क्योंकि वो तरुण था और ये बूढ़े थे, सारे भट्टा जा रहे, तो पीछे वापस आ गए। चैतन्य महाप्रभु से माफी मांग रहे, हाथ जोड़कर पैर पड़ कर माफी मांग रहे, कृपया कर माफ करो, और भगवान मैं भगवान से, वो और चैतन्य महाप्रभु से कह रहे कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी भले ही विधवा हो जाए, इसको कोई बीमारी जड़ जाए और ये मर जाए, इसने इसने इतना बड़ा अपराध किया है, साक्षात आपके प्रति अपराध किया, ऐसा बोलने लगे वो। अभी कोई व्यक्ति अपने लड़की को विधवा के बारे में ऐसे कुछ छाप नहीं देगा, लेकिन ऐसा अपराध किया भगवान के प्रति, साक्षात अपराध किया, तो भक्त भले ही रिलेटिव भले कितना ही नज़दीक का हो, वो सहन नहीं करता है भक्तों के प्रति अपराध, भगवान के प्रति अपराध सहन नहीं करता है। तो इसलिए चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य उसको बड़े गंभीरता से लिए, और आगे चलकर ऐसा हुआ कि अमोघ को पूरा डायरिया हुआ और उसका पूरा स्वाहा चालू हो गया कंटिन्यूसली, और इतना उसकी हालत ख़राब हो गई कि पूरा अशक्त हो गया वो, और मरने के इसमें आया वो। चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, चैतन्य महाप्रभु आए उनसे मिलने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको 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 पास लेकर उनको समझाया कि अरे अमोघ, तुम्हारा हृदय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसमें ये हृदय तुम्हारा ये कृष्ण के लिए है, इसमें कृष्ण को जगह देनी चाहिए, तुमने ये द्वेष और ये गलत चीज़ों को इसमें जगह ही कैसे दी। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको पर्सनली अपने पास लेकर उसको दुलारते हुए उसको समझाया, और अमोघ की एक तो अपराध से व्याधि हो गई, और व्याधि से व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाती है, जब प्रकृति जब वैष्णव समझाते हैं तो आदमी समझता नहीं है, वैष्णव अपराध जब करते हो, और जब प्रकृति झटके मारते फटके मारते नैसर्गिक कलामिटीज आती है, कोई ठेस पहुँचती, कोई एक्सीडेंट होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी सोचने पर मजबूर होती है कि शायद मैंने कुछ बड़ा अपराध किया क्या, वैसे उसको समझ में नहीं आता, तो जब झटके बैठते हैं तो आदमी को समझ में आता है, और फिर सुधारना थोड़ा आसान हो जाता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बड़े प्रेम से पास लेते हुए उनको उपदेश किया, और अमोघ फिर भगवान के छह भक्त बन गए। लेकिन लोग वैसे भी रहेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे भी रहे कि जो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति बड़े अपराध किए, और केवल चैतन्य महाप्रभु के प्रति नहीं लेकिन अन्यों के प्रति भी उन्होंने बहुत अपराध किए। तो ऐसे एक चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि अभी जस्ट कल परसों रामनवमी गौर पूर्णिमा महामहोत्सव हम द्वारा उसमें से एक पार्ट लेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को किस प्रकार से दोषारोपित कर रहा था एक व्यक्ति, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी ही वॉज ऑफेंडेड बाय रामचंद्रपुरी, रामचंद्रपुरी ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य, और यहाँ पर एक श्लोक है। तो सीन ऐसे है, आपने सुना होगा कि माधवेंद्रपुरी ये अभी वयस्क हो चुके हैं और अभी शरीर छोड़ने के स्थिति पर है, और उस समय वो कृष्ण का बड़ी तीव्रता से कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, और कृष्ण के तीव्रता से स्मरण करने से एक भावना इस प्रकार से आ जाती है कि कृष्ण सामने है भी, लेकिन ऐसे लगने लगता है कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण का विरह बहुत ज़्यादा महसूस होता है, जितना कृष्ण नज़दीक होते हैं उतना उनका विरह ज़्यादा महसूस होता है, और जितना कृष्ण हमसे दूर रहते हैं वैसे कृष्ण के प्रति कोई खास भावना नहीं होती, और ऐसे लगता है कि अरे कृष्ण तो हमारे ही है, कृष्ण तो अपने इधर, जैसे इसलिए बाहर के जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, इस प्रकार से बोलते हैं ना कि हाँ कृष्ण, हाँ हम तो बड़े कृष्ण के भक्त हैं, वो अपने आप को ऐसे ही बोलेंगे, हम भी कृष्ण के बड़े भक्त हैं ऐसा बोलेंगे, लेकिन कोई जो भक्त है वो कभी ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं कृष्ण का बड़ा भक्त हूँ, वो बोले कि नहीं बस मैं तो अभी कुछ प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से दोनों में बहुत अंतर है। तो कृष्ण के बहुत तो कृष्ण के विरह में इतने भाव विभोर थे, रो रहे थे, वो शरीर छोड़ते समय क्रंदन कर रहे थे, तो उस समय उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो एक उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी, वो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे, उनके सब प्रकार से सेवा करते, उनको छोटी छोटी चीज़ें, कपड़े धोना, उनको वस्तुएं देना जो चाहिए वो देना, शरीर साफ करना, शरीर को पानी से पोछना, ये सारे सारे प्रकार के कार्य सेवा कर रहे थे।
और उनका और एक शिष्य थे वो है रामचंद्रपुरी, और वो थोड़ा सा तर्कवाद के प्रति ज़्यादा वो आसक्त थे, उनको बड़ी इच्छा थी वो तर्कवाद के लिए, मायावाद। और गुरु महाराज को वो ऐसे समय पर उपदेश करने लगे, तुम्ही पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण ब्रह्मवत न केने करह रोदन। अरे आप रोदन क्यों कर रहे हैं, अगर आपको कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है तो तुम्ही ब्रह्मानंद करह स्मरण, तुम्ही ब्रह्मानंद का स्मरण करा, आप ब्रह्म ज्योति का स्मरण कीजिए, भगवान तो निराकार रूप में हर जगह निवास करते हैं, हर जगह है भगवान, तो आप घट घट में जो भगवान है उसका स्मरण करो, भगवान आपके बाजू में आपके पास है, आप क्यों रो रहे हो, ब्रह्मवत हना केने करह रोदन, केने करह रोदन क्यों रो रहे हो, गुरु को बोल रहे हैं। तो गुरु उनके वो सुनकर, एक तो वो कष्ट है, कष्टी में है, तो उस समय देखो चैतन्य महाप्रभु ऐसे मूड में हुआ करते थे, कृष्ण के विरह में हुआ करते थे, तो कृष्ण के जो पार्षद है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये खास कर, तो ये ऐसे श्लोक गाते थे कि जिससे कृष्ण को सांत्वना मिले, और वो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के भाव में हुआ करते थे और कृष्ण का स्मरण कर रहे, तो उस मूड में वो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को गाया करते थे। उस समय वो कभी कभी जो रासलीला में जो गोपियाँ जो श्लोक गाया करती थी वो श्लोक गाया करते थे। तो इस प्रकार से जब श्लोक गाया करते थे तो चैतन्य महाप्रभु चूँकि इच्छा से और बढ़ती थी, और चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के प्रति जो और उत्कंठ है वो और बढ़ती थी, और चैतन्य महाप्रभु बड़े संतुष्ट हो जाते थे भक्तों के प्रति। तो ये जो व्यक्ति हृदय से अगर बहुत नज़दीक है किसी के, तो वो उनके मन की भावना को जान सकता है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि अभय नोज माई हार्ट, क्योंकि अभय चरण प्रभुपाद जी ने जब उस समय जब एक प्रार्थना एक कविता लिखी थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके जन्मतिथि, तो उसमें उन्होंने ऐसे वाक्य लिखे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके कारण ये जो निराकारवाद है वो अभी नष्ट हो जाएगा, और मायावाद है वो अभी भाग जाएगा, इस प्रकार से भाग गया है इनके भाई से। तो ये जब उन्होंने सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये मायावाद खंडन यही उनका ये था, उनकी मनीषा थी, क्योंकि बहुत वैष्णवगण जो रहते हैं वो मायावाद के प्रति या नास्तिकवाद के प्रति बड़े सतर्क भी और बड़े सख्त रहा करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है कि प्रभुपाद ने मेरा हृदय जाना। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु, हाँ एक बार चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी की कुटिया पर गए, तो रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में, तो रूप गोस्वामी कुछ श्लोक लिखा करते थे पत्ते पर और सुखाने के लिए टेरस पर रखते थे, और कुटिया का टेरस, झोपड़ी का टेरस कौन सा रहता है, और जो घास के जो ये लगे नीचे से ऐसा उसका एक स्लोप होता है ऐसा। तो वहाँ पर उन्होंने सुखाने के लिए रखा था, तो चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने उसको जैसे वो अंदर जाने के पहले देखा वो पत्ता रखा है, तो उसको लेकर चैतन्य महाप्रभु पढ़ने लगे उस श्लोक, और चैतन्य महाप्रभु ने उस श्लोकों को पढ़ा, वो खास कर एक बार तो इसके ये श्लोक थे हरिनाम के प्रति श्लोक थे कि कैसे हरिनाम ये दो शब्द ऐसे है कि ये दो शब्द बोलते बोलते मैं ये इतनी शक्ति है इसके दो अंदर कृष्ण इसमें कि मुझे बोलने के लिए हजार जीवा में चाहता हूँ, सुनने के लिए हजार कान मुझे चाहिए, ऐसे वो उन्होंने स्तुति की थी। तो चैतन्य महाप्रभु सुन के इतने खुश हो गए, और अन्य बार एक बार ऐसे श्लोक उन्होंने रखा लिखा था, तो वो श्लोकों को पढ़कर चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये रूप मेरा मेरे हृदय को कैसे जान रहा है, इस प्रकार से पूछने लगे, ये मेरा हृदय को कैसे जान सकता है, कैसे जान सकता है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि क्योंकि महाप्रभु आपकी उसके ऊपर विशेष कृपा है इसलिए वो जान सकता है, और जिस जिसके ऊपर महाप्रभु की विशेष कृपा रहेगी वही भगवान को जान पाएगा ठीक तरीके से। तो इस प्रकार वो उनको जान पा रहे थे, उनकी विशेष कृपा थी।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन्होंने माधवेंद्र पुरी, क्योंकि चैतन्य महाप्रिया अपने गुरु के प्रति, गुरु के तत्व ज्ञान के प्रति ही उनका यहाँ पर तत्व भिन्न नहीं है, क्योंकि माधवेंद्र पुरी ये वैष्णव है और वैष्णव गौड़ीय वैष्णव वैष्णव में वो कृष्ण को, भगवान को पर्सन के रूप में मानते हैं, भगवान एक व्यक्तित्व के रूप में उनको मानते हैं और इस प्रकार से भगवान की आराधना के प्रति उनकी उनकी पराकाष्ठा रहती। लेकिन चैतन्य महा लेकिन माधवेंद्र पुरी लेकिन रामचंद्र पुरी ये मायावाद टच होने के कारण गुरु महाराज, एक तो गुरु महाराज को उपदेश करने का वो अपराध कर रहे हैं, क्योंकि अपने वरिष्ठों को जब तक वो पूछते नहीं है तब तक कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, ऐसा एक सिद्धांत है। तो इस प्रकार से और ऐसी स्थिति में बोल रहे हैं जिस समय, तो ये इरिटेटेड हुआ उनको माधवेंद्र पुरी को, तो माधवेंद्र पुरी कहने लगे, सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ट बलि भस्म करीला। वो कह रहे हैं कि सुनी माधवेंद्र मने, माधवेंद्र पुरी ने जब सुना तो मने क्रोध उपजिले, बड़ा क्रोध आया उनको, सोचिए ना मरते समय प्राण छोड़ते समय ये क्रोध की भावना किसी शिष्य के प्रति हो उसकी क्या दशा होगी बताइए। दूर दूर उसको बोला तुम चले जाओ यहाँ से, दूर जाओ यहाँ से, क्योंकि नजदीक रहेगा तो और अपराध करेगा और सामने रहने से और इरिटेट करेगा वो गुरु महाराज को। इसने कहा दूर दूर पापिष्ठ, बोलो पापी हो दूर जाओ, क्या बलि ये इस प्रकार से बोल के भस्त ना करना, भस्त ना करने लगे उनके, निकल जाओ यहाँ से। तो ये अपराध ये उनके, क्योंकि वो माधवेंद्र पुरी रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी के हृदय को जान नहीं पाए और इसके कारण उनके कार्यों को समझ पाना कठिन हो जाता है। जब तक व्यक्ति किसी के हृदय को नहीं जानता है तब तक कार्य को जानना बहुत कठिन हो जाता है और इसलिए कार्य में दोष देखना ये स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म, इसलिए प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल करते हैं कृष्ण भावना भावी, जब तक हम कृष्ण के भावनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, भावना भावित नहीं होते हैं तब तक हम जन्म कर्मच्च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, हम तत्वतः कृष्ण को जान ही नहीं पाएंगे। पर अगर कृष्ण को तत्वतः नहीं जान पाएंगे एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, वो आगे का होगा ही नहीं, पुनर्जन्म हम भगवतधाम जा वापस जाने की कोई संभावना नहीं जब तक हम कृष्ण को ठीक से जानते नहीं। कृष्ण के तत्व को अगर हम ठीक से जानेंगे, जानने के लिए कृष्ण के भावनाओं को जानना आवश्यक है, कृष्ण के भावना कृष्ण के मूड को जानेंगे तो कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएंगे और फिर दोष नहीं ढूंढेंगे उनके कार्य में, हमको दोष नहीं दिखाई देगा। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर ये दोष की भावना अगर हमारे अंदर पनपती है तो ये सूत्र को हमको ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो माधवेंद्र पुरी हो जाएंगे हम। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ, माधवेंद्र पुरी ने उनके उन्होंने अपराध किया उनके प्रति, तो अपराध होने के कारण, अपराध होने से क्या होता है फिर, तो अपराध होने से आगे चैतन्य चरितामृत में आगे बताया गया है अपराध होने से क्या होता है। अपराध होने से ये श्लोक है, देखिए शेर की है इसको देखिए, ये ही से माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करीला, से अपराधे इहार वासना जन्मिला। अंतलीला में आता है आठवें अध्याय 26वां श्लोक। सो ये ही ये माधवेंद्र श्रीपाद, श्रीपाद माधवेंद्र ने इस प्रकार से इनके उपेक्षा के कारण, श्रीपाद माधवेंद्र उपेक्षा करीला, इस प्रकार से उन्हें उपेक्षा किया अपराध करने के कारण, इससे क्या हुआ, अपराधी जो अपराधी व्यक्ति जो है उनके अंदर धीरे 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 से अपराधे यहाँ वासना जन्मी, वो अपराध के कारण उसके अंदर वासना, वासना करते हैं भौतिक भोग करने की इच्छा उस व्यक्ति के अंदर जन्म होना शुरू हो जाती है। तो बहुत बार भक्ति में आने के कारण, भक्ति में आने के बाद कुछ समय के बाद व्यक्ति भक्त भक्ति से फिर चले जाते हैं, अन्य फिर से घरेलू कार्य में रहते हैं,
ऑफकोर्स कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि कुछ भक्त है भक्ति में आए, कुछ हादसे जीवन में हुए, परिवार में हुए, उसके कारण वो थोड़े से विचलित हो गए हैं अभी, लेकिन उनके भावना अभी भी है कि भक्ति हमको करनी चाहिए, लेकिन कुछ हादसों के कारण वो नहीं कर पा रहे अभी, लेकिन वो हादसे ठीक होने के बाद फिर से वो भक्ति में आ जाते हैं और फिर से उनकी भक्ति आगे चलती है। तो ये कोई अपराध के कारण नहीं है, ये पिछले कर्म ऐसे होने के कारण बीच बीच में उसको ऐसे गतिरोध, उसको रोधक देते हैं, उसको रोकते हैं। लेकिन अपराध के रूप में अगर देखो तो ऐसे वैष्णव अपराध किए, ऐसे कुछ अपराध किए कि जिसके कारण उसके अंदर धीरे 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 भौतिक भोग की लालसा बढ़ती गई, भौतिक भोग की वांछा बढ़ती गई, और वो वांछा के कारण उसका भक्ति के प्रति दुर्लक्ष्य होने लगा, अपने आप उसकी इच्छा नहीं रहेगी कि अरे नहीं गाना माला देखेंगे। और ऐसे जिसकी इच्छा नहीं है उसको चार माला करना भी बड़ा हैवी जाता है, नहीं कर पाता है, टाइम बहुत है लेकिन निकाल नहीं पाता है। ये आखिर सब मन का खेल है कि मन को हम कैसे इंस्पायर करते हैं भगवान के नाम लेने में। तो वो व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता है, भगवान का नाम जप नहीं कर पाता है, कठिन हो जाता है उसको। और जिस भक्तों को भगवान का नाम लेने, हरि नाम जप करने में अगर उसकी इच्छा है और उत्साह है तो भले कितना भी बिजी हो, वो 16 क्या 17 भी करेगा, वो समय बराबर ढूंढ निकालेगा। तो ये इच्छाएं धीरे 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 खत्म होने लगती हैं व्यक्ति जब अपराध करने लगता है तो, क्योंकि भौतिक इच्छाएं फिर बढ़ने लगती है, और फिर भौतिक इच्छा जैसे ही बढ़ने लगती है फिर उसका भक्ति छूट जाती है। और एक बार भक्ति में आने के बाद भक्ति छूटना, उसको दोबारा आना बहुत कठिन, नहीं के बराबर है। मैंने कुछ उदाहरण ऐसे ऐसे देखे कि कुछ भक्त कि जो भक्ति में आए उसके बाद बहुत अच्छे से रहे, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर धीरे 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 छूटते गए, दोबारा भी आना मुश्किल, क्योंकि वो पहले जान चुके सब कुछ, तत्व ज्ञान सब कुछ पता है, उनको और सिखाओगे क्या? अभी उनको सिखाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति रह गई और वो है मायादेव, वो अपने तरीके से सिखाती है। तो इसलिए अपराध के बाद इस पर धीरे 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 भौतिक वांछा निर्माण हो जाती है। तो ऐसे फिर वो भक्ति से उसकी सीरियसनेस कम होती जाती है। तो ऐसे हुआ इनका कि जो माधवेंद्र पुरी है, सॉरी रामचंद्र पुरी है, वो धीरे 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 वो तर्कवाद में ज़्यादा इच्छुक होने लगे और ज़्यादा प्रावीण्यता उन्होंने हासिल कर ली और मायावाद का वो प्रचार करने लगे, मायावाद का वो तत्व ज़्यादा पालन करने लगे। और ख़ास तौर पर इसका परिणाम ऐसा हुआ अपराध वाइज का कि वो वैष्णव में और दोष ढूंढने लगे। तो जहाँ जहाँ पर भी जाते थे, जिससे जिससे साथ उसकी मुलाकात होती थी, व्यवहार होता था, उसके हर एक कार्य को बड़े बारकाई से वो ध्यान देते थे। और चैतन्य चरितमृत में आगे वर्णन आता है कि वो देखते थे कि इसकी दिनचर्या कैसी, किसी के प्रति उसको डांटा कैसे देखते थे, देखो उसकी दिनचर्या कैसी, सवेरे कितने बजे उठता है, उठने के बाद कितने बार स्नान करता है, क्योंकि ब्राह्मणिकल रूल्स है वहाँ पर, एक स्टैंडर्ड था, कितनी बार स्नान करता है, गायत्री बराबर संध्या बराबर करता है क्या, समय पर करता है क्या, कितना खाता है, क्या खाता है, खाने में कौन से पदार्थ, स्वीट कितना खाता है, ये सारे डिटेल्स, कितने किसी से किससे मिलता है और कितने बजे वो रात को सोता है और कितना समय रात को लेट तक ऑनलाइन रहता है लाइव व्हाट्सएप पर, वो चेक करते बैठता है दूसरों का, ये सारा डिटेल वो रखता है। ऐसा आया ही व्हाट्सएप शब्द नहीं आया, लेकिन ऐसा सीसी में वर्णन है कि वो ये सारा डिटेल रखते थे रामचंद्रपुरी। क्योंकि उस डिटेल के द्वारा उसके अंदर दोष ढूंढ सके कि कहाँ पर उसकी गड़बड़ है, कहाँ पर उसका प्रॉब्लम है, या कहाँ पर उसको पकड़ सकते हैं, इसके लिए वो डेटा रखते थे। सोचो कुछ लोग हैं ऐसे भी, इसका में भी कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे आपको कि वो पूरा अपडेट दिखाई देंगे आपको, एकदम अपडेट रहेगा वो, कहीं पर क्या हो रहा है, कौन से जगह पर क्या हो रहा है, कौन से कॉन्ग्रीगेशन में क्या हो रहा है, कौन से सेंटर पर क्या चल रहा है, या अपने सेंटर में से भी कौन से आश्रम में क्या चल रहा है, वो डिटेल रखेगा। लेकिन वो डिटेल कैसे लें, एक तो ये है कि उसकी एक प्रतिष्ठा है कि मुझे सब पता है किसका क्या है, किसका क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वगैरह, मैं एक विशेष हूँ। और दूसरा कि कभी अगर बात छेड़ी तो
बोलने के लिए मैं आगे रहूँगा, और वो मेरे सामने जिसके खास करके जिसके अगर प्रॉब्लम है तो वो मेरे सामने खास कर बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसके सारे फंडे मैं जानता हूँ। इस प्रकार से भी भावना रहती है लोगों के बारे में। तो और कुछ भक्त रहते हैं वो उनको ये सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, वो उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको इससे लेना देना नहीं है और वो उनको ये जमता भी नहीं है। वो अपना आते हैं मंदिर में, सेवा करते हैं, जो बोला सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, सेवा में अपनी रुचि बढ़ाते हैं, सेवा में अपनी प्रावीण्यता बढ़ाते हैं, सेवा की अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, और इस प्रकार से उनकी बहुत अच्छे से जीवन भक्ति अच्छे से चलती है क्योंकि वो सही में भक्ति करने के लिए आते हैं, वो ये सारे झंझट में फंसने के लिए नहीं आते, ये सब करने में नहीं आते। ऐसी भक्ति हमको चाहिए जिससे वैष्णव गुरु और कृष्ण संतुष्ट हो जाए, प्लीज हो जाए, आनंदित हो जाए, तो ऐसे भक्ति की कामना करते हैं। और इसलिए शास्त्र बताते हैं जिसमें जीव गोस्वामी उनकी जो भागवतम के ऊपर उन्होंने जो टीका की है, लघु भागवत जिसका नाम है, उसके है 10वें अध्याय के 2वें श्लोक के 32वें श्लोक के में वो इस प्रकार से चर्चा करते हैं ये जो अपराध के बारे में जो बताते हैं। तो वो कहते हैं जीवन मुक्त अपि पुनर्बंधम यान्ति कर्म भी यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवती अपराधिनः। वो कहते हैं कि जीवन मुक्त अपि, भले ही व्यक्ति जीवन मुक्त ही क्यों ना हो, अभी जीवन मुक्त का अर्थ ये है कि वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा चढ़ा है और मानो कि एक पैर उसका इस धरा पर है, एक पैर उसका वैकुंठ में है, अभी इधर अगर वो शरीर छोड़ दे तो भगवत धाम जाएगा क्योंकि ऐसी सेवा है, ऐसी चेतना है। जीवन मुक्त अपि पुनर्बंधम यान्ति कर्म भी, ऐसा व्यक्ति भी पुनर्बंध कर्म बंधन के चक्र में फिर से आ सकता है यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवती अपराधिनः। अगर वो भगवान के प्रति अपराध करता है तो वो फिर से कर्म बंधन के चक्कर में आ सकता है। इसलिए शास्त्र हमको बार बार वार्न कर दे कि बी केयरफुल, बहुत सावधान, बहुत सावधान, बहुत सावधान, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो इस प्रकार से वो हमको बताते हैं कि हमने सावधान पूर्वक कार्य करना चाहिए। और फिर क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी सबके दोष निकालने लगी, सॉरी रामचंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी सबके मन अंदर दोष दिखने लगे। अभी ये एक आपको ये दिखाता हूँ, एक स्लाइड देखिए, इसमें माधवेंद्रपुरी ये सॉरी रामचंद्रपुरी ये जगदानंद पंडित के प्रति भी अपराध करेंगे। जगदानंद पंडित ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, तो वैष्णव में दोष देखना चालू कर दिए वो। तो जगदानंद पंडित को, अभी जगदानंद पंडित का नाम लेते ही चैतन्य महाप्रभु बहुत अलर्ट होते थे क्योंकि जगदानंद पंडित इतने स्ट्रिक्ट रहा करते थे खान पान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु को खिलाने के बारे में तो और स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब क्या कि उन्होंने कुछ कहा और चैतन्य महाप्रभु ने अगर नहीं सुना वो एकदम गुस्सा हो जाते थे, वो फास्टिंग भी करते थे, भूखे में रहते थे, और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को उपदेश करते थे वो, ये इधर आप ऐसा कर लो ना, ये ठीक नहीं है, ग्राम में व्यवहार है ये ठीक नहीं है, समाज क्या बोलेगा आपके प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी बात होते, हाँ ठीक, थैंक यू, आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगदानंद पंडित इस प्रकार के, कभी वो चैतन्य महाप्रभु के लिए चंदन का तेल लेकर आते, इतना सुगंधित चंदन का तेल खानी से निकालते, चैतन्य महाप्रभु कहा कि ये रोज आप लगाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे भाई सन्यासी हूँ, ऐसा सब सेंट मेंट लगाऊंगा तो कैसे चलेगा, मैं सन्यासी, मेरा व्रत भंग, व्रत के खिलाफ है ये। तो इतना गुस्सा आया, बोले आप उधर हर जगह लगाते हैं, उधर जगन्नाथ के रूप में इतना लगाते हो, उधर कृष्ण थे तब इतना लगाते थे, आपको क्या सब नियम के पालन करने की जरूरत है, आप सन्यासी बड़े वेश में हो, लेकिन आप इस प्रकार से उनको कहते थे कि नहीं आपको लगाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये बेटर नहीं कि आप जगन्नाथ जी को दो, जगन्नाथ मंदिर में दो, पंडा लोग जगन्नाथ जी को लगाएंगे, भगवान को, भगवान कुछ भी नहीं। इतना गुस्सा आया उनको जगदानंद पंडित को, इतना बड़ा मटका उठा कर लेकर आए थे, उसमें चंदन का रस, चंदन का तेल, पूरा मटका उठा कर फेंक दिया उधर उनके सामने, फोड़ दिया सारा चंदन का, और कितना कॉस्टली बताया चंदन, अभी तो ओरिजिनल तो मिलता नहीं है, लेकिन कुछ अगर 5 ग्राम 7 ग्राम अगर मिलता है
200-250 रुपये, वो ग्राम की बात चल रही है। तोला पे जाते हैं सोने जैसे महीने ना कॉथली और क्या सेंटेड से चैतन्य महापुर थोड़ा अलर्ट रहते थे। तो ऐसे जगदानंद पन्ने का बैकग्राउंड है। वो एक बार उनको एक बार प्रसाद जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे तो रामचंद्रपुरी वहाँ पर आए और रामचंद्रपुरी उनको कहें अरे ले लो आप ले लो भगवान का प्रसाद भर के खाना चाहिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद भर के खाना चाहिए। इस प्रकार से उनको स्तुति करते हुए और खिलाते जबरदस्ती खिला रहे और लो कर कर तो बहुत खिलाया। और जगदानंद पंडित नहीं बस नहीं और लो तो बहुत खिलाने के बाद बोलते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो ऐसे ही हैं, खाते बस केवल पेटू है, बोले के आग्रह करी या पुनः पुनः खाओ याइला आचमन कहले निंदा करी ते लागीला। आग्रह करिए पुनः पुनः खाओ याइला खाओ और फिर आचमन कहले। और जैसे खाकर होने के बाद जब वो हाथ धोने के लिए जाते थे जगदानंद पंडित, हाथ धोने के लिए जैसे निकल गया तब निंदा चालू कर दिया। क्या आचमन कहले निंदा करी ते लागीला, क्या निंदा करे देखिए, सुनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण सत्य यही वाक्य साक्षात देखी लो एक खाना। मैंने तो केवल सुना था, क्या डाटा वो निकाला था ना चैतन्य महाप्रभु का, सुना था मैंने केवल कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण है ना पेटू है बहुत भक्षण करे बहुत भक्षण। अभी क्या हुआ सत्य यही वाक्य साक्षात देखी लो एक खाना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा अभी यहाँ पर देखो कितना खा रहा है। गॉड अभी जगदानंद पंडित सोचने लगे कि वाह अभी क्या बोलूं इनको, और है कौन रामचंद्रपुरी, कौन है ये रामचंद्रपुरी, ये ईश्वरपुरी इनके गुरु बंधु, माधवेंद्रपुरी इनके शिष्य, तो ये सबके सीनियरिटी में सबके वरिष्ठ आ जाते हैं। और यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जैसे पिताजी के लेवल पर है तो आप उनको क्या बोलोगे, अंकल बोलेंगे ना, तो अंकल का तो रिस्पेक्ट होगा ना पिताजी के जैसा। उसी प्रकार से ईश्वरपुरी उस अंकल के रूप में थे, गुरु अपने गुरु के गुरु बंधु गॉड ब्रदर, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टिव है इसलिए सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वो उनकी भावना इस प्रकार से और इस प्रकार से वो सबको दोषारोपण करते तो ये चुपचाप सहन करते थे सुनते और वो कहते थे कि बाप रे इस बहुत कठिन है इस चीज़ों से बाहर निकलना। और तो इस प्रकार से उनका पतन हो गया इनका रामचंद्रपुरी का। और पतन की सीमा देखो वो रुकता नहीं एक जगह पर, वो और नीचे बढ़ते हुए ये जगह पर आ गया कि जहाँ पर वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु का अपराध करना भी वो छोड़े नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का अपराध तो फिर इनको दोषारोपित करें, फिर जहाँ जहाँ भी जिस भक्तों को मिलते थे, अभी भक्तों को सब पता चल गया है कि कौन आए हैं रामचंद्रपुरी आए हैं, तो सब लोग एकदम अप टू डेट सावधान सब कुछ एकदम अलर्ट रहते थे उनसे। जैसे महाभारत में वर्णन था ना कि दुर्वास मुनि आ रहे, तो दुर्वास मुनि जैसे नाम सुनकर लोग अरे बाप रे, तो थोड़ा सा सावध रहे भी कि कुछ थोड़ा भी अपराध हो गया कि श्राप मिल गया। तो ऐसे रामचंद्रपुरी, तो रामचंद्रपुरी जब नीलाचल में पहुँचे मतलब यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर आकर वो चैतन्य महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की खबर रखते हुए एक बार वो आए चैतन्य महाप्रभु के सामने, उनके सामने जब फेस कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु का हर प्रकार से वे व्यवहार में खोट निकालने की बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की लेकिन उनको एक भी खोट मिलनी। और बहुत दिनों से वो उस चाह में थे, उस खोज में थे कि कुछ तो मिले उनके व्यवहार में, कुछ तो मिले, जल्दी उठ नहीं रहा है क्या, बराबर की संध्या नहीं कर रहा है क्या, और कुछ प्रजल्प कर रहा है क्या, और ऐसा कुछ तो मिले ऐसा वो ढूंढ रहे थे उनको एक भी नई चीज़ मिल रही थी। और एक दिन वो जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में जब थे, चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर थे उनके रूम में जब थे, तब उनको दिखाई दिया कि वो उनके रूम में कुछ चींटियाँ यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये चींटियाँ यहाँ पर घूम रही है, तुरंत उनके मन में वो आइडिया आ गई और वो सोचने लगे कि हाँ अब मिल गया, क्या मिल गया
इनके अंदर वो जो दोष में जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। देखिए यहाँ पर एक श्लोक है, आप उसको पढ़िए। सहजई विपलिका सर्वत्र बेड़ाइया, तहाते तर्क उठाइया दोष लगाए। सहजई पिपलिका, पिपलिका का अर्थ है चिटिया, सर्वत्र बेड़ाइया, इधर उधर वो घूम रही थी चिटिया, उनको देख रहे थे। तो तेहाते तर्क उठाइया, तो क्या तर्क लगाया उसने, चीटी कहाँ जाती है, मीठा जहाँ पर है वहाँ पर जाती है। तो ये चीटी इधर घूम रही, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारा मीठा होगा, और मीठा यहाँ पर कैसे आया, ये सन्यासी होने के बाद भी इतना मीठा खाता है, और अभी अभी खाया होगा उसने, इधर गिरा है। आज जैसे खाते ना हम लोग, हमारा खाना कैसे रहता है मंदिर में भी, कभी कभी इधर आता हूँ ना, भक्तों को प्रसाद अगर मैं देता हूँ कुछ ना, तो देखने देने के बाद इस थोड़ी मन में चिंता रहती है, डर रहता है कि, क्योंकि देने के बाद अभी ये भक्त इधर ही खाने वाला है। खाने के बाद वो जनरली क्या करते हैं, खाया तो उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद अपना हाथ से साफ करते हुए ऐसे उधर ही पूरा वो चीटी छोटा 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 सा बारीक बारीक दाना वो दे देगा। तो वो एक उसका दो नुकसान है, एक तो वो महाप्रसाद नीचे गिर गया, दूसरों के पैर के नीचे आएगा तो वो बड़ा अपराध हो जाएगा, और दूसरा है कि वहाँ पर मीठापन आएगा तो चीटी ये सब आएगा और पैर को चिपकेगा और वो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए सुरक्षितता बरतना बहुत आवश्यक। तो तो वो इस प्रकार से दोष देखने लगा और कहने लगा कि देखो यहाँ पर चीटी आई है ना, इसका मतलब ये सन्यासी बड़ा स्वीट कर रहा। और उन्होंने कहा कि देखो मैं बोल ही रहा था, मैं जान ही रहा था, मुझे पता ही था, और आज रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या रंगे हाथ, चिटियाँ घूम रही है। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ऐसे उनको पता नहीं क्या खुजली रहती है, वो ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण ढूंढते, और जैसे कुछ मिल गया और मिलने का मिलते भी तो क्या है, कहीं ना कहीं तर्क लगा रहता है वो, उसका कनेक्शन कहीं से, उसका कनेक्शन कहीं से, कहाँ से कनेक्शन जोड़ देते हैं और कहते हैं हाँ ये देखो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा गलत काम कर रहा है। और इस प्रकार से दोषारोपित करते हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि अच्छा, चैतन्य महाप्रभु सुन लिया और क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। चैतन्य महाप्रभु ने उसको सुन लिया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने पर्सनल सर्वेंट गोविंदा को कहा कल से मेरा खाना कट ऑफ कर दो, कल से मेरा जो महाप्रसाद है, प्रसाद चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद एक स्टैंडर्ड रहता था, इतना लेंगे उसका इतना रुपए ये होगा स्पॉन्सरशिप का, मतलब इतना रुपए उसका, मतलब इतने का खर्चा होगा, उनके साथ कौन कौन आएगा वो सब फिक्स रहता था। इसलिए जिसके घर में भी जाते थे चैतन्य महाप्रभु वो सब रेडी रहते थे कि क्या क्या लगेगा और कितने का लगेगा, ये सारा फिक्स रहता था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि मेरा जो प्रसाद है वो आप आधा कर दो, कम कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद सारे भक्तों को इतना दुख हुआ कि और बाकी जो भक्त है वो भी उन्होंने भी प्रसाद कम कर दिया, और सारे नीलाचल में सब लोगों में एकदम नाराजगी फैली, किसी के मन में अंदर कोई उत्साह नहीं है सब एकदम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रति ऐसे हो रहा है, तो इसलिए सब लोग दुखी थे और सब लोग केवल एक ही मन में जान रहे थे और सोच रहे थे कि कब ये जाएगा, ये रामचंद्रपुरी कब जाएगा यहाँ से। एक तो उनको बोलेगा कौन, कोई नहीं बोल सकता है, और ये कौन कब जाएगा ऐसे सोच रहे थे। और फिर वो रामचंद्रपुरी वो इसी प्रकार से सब में अपराध देखते 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 फिर ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ऐसे वो भटकते रहते थे और जीवन इस प्रकार से उनका भटका हुआ। तो कितना महत्वपूर्ण है कि दोष देखने की जो भावना है वो कितनी ख़राब है, और वो कहाँ से कैसे आती है, अभिसूयंतो न एतत् अभिसूयंतो, चैतन्य जो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमने कृष्ण के प्रति जो भावना हमको रखनी है वो भावना हमारी कैसे होनी चाहिए, वो द्वेषपूर्ण भावना नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अगर कृष्ण के चरणों में अगर हमारी भक्ति को हमको बढ़ाना है तो हमने कृष्ण के प्रति
दोष नहीं देखना चाहिए, उनके मत के प्रति सकारात्मक भावना होनी चाहिए। तो ये त्वेतत ये तु एतत अभी सूयंतो, इसमें कृष्ण कहते हैं कि एक तो निंदा करना, दोष देखना और दोषारोपण करना, दोष देना और दोष देखना, और तीसरा पॉइंट इसका अर्थ ये आता है, अभी सूयंतो का अर्थ आता है कि क्रोध करना, किसी के प्रति क्रोध करना। तो क्रोध करना कैसे है, तो क्रोध लोगों का हो जाता है ना, क्रोध भक्तों के प्रति, भक्तों का या भक्तों का जल्दी जल्दी क्रोध भगवान के प्रति होता है, वो इस प्रकार से नहीं होता है। लेकिन नास्तिक लोग हैं और जो भगवान को असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो भगवान के प्रति क्रोध करते हैं, या कभी कभी लोग अपेक्षा के खिलाफ हो जाए तो क्रोध करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंदिर में आ गया और चप्पल चोरी हो गई तो पूरा गुस्सा भगवान के ऊपर उतार देते हैं, और फिर या फिर मंदिर में आया और गाड़ी उस साइकिल रख के तो उसने गायब हो गई, उसको भले ही बोला था साइकिल का लॉक करके आओ तो फिर भी वो लॉक नहीं, वो तो नहीं नहीं भगवान के सामने यार क्या होगा। एक बार ऐसा हुआ हमारे कुछ भक्त थे, तो साइकिल उसको बोलते हम लोग, हमें हमेशा बोलते हैं कोई कोई भक्त आए, कभी एक भक्त आए उन्होंने हेलमेट रखा ऐसे ही, हेलमेट गाड़ी पर छोड़ दिया और आए मंदिर में दर्शन करने। तो मैंने बोला प्रभु जी आपका हेलमेट है, हेलमेट लेकर आइए, कोई लेकर जाएगा तो बोलेगा प्रभु जी हेलमेट लोगों को ज़बरदस्ती भी दे तो लोग लेते नहीं क्योंकि उनको पहनना पड़ेगा, पहनता कोई नहीं आजकल तो कोई लेता नहीं, तो बात सही भी है, कोई लिया भी नहीं उसको, लेकिन कभी कभी थैली भी ऐसी रहती है गाड़ी पर लगी रहती है, छोड़ देते आते मंदिर में दर्शन करने, ये भरोसे से भगवान देख लेंगे, तो भगवान को सीधा हम सेवा पे लगा देते, ये भावना अच्छी नहीं है। और उसमें अगर कुछ हो जाता है इनकेस तो भगवान के ऊपर दोषारोपण हो जाए। तो इसलिए ये जो अभी सुयंतो जो है इसमें क्रोध करने की भावना है, तो इस प्रकार से भावना होती है, कभी किसी का पॉकेट गुम हो जाता है, कभी किसी का मंदिर में आते समय ही एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ऐसे कुछ भी हो सकता है, हाथ से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हुए हाथ से और अगर समस्या हो गई तो क्रोध हो जाता है लोगों का भगवान के प्रति, तो ये भी अभी सुयंतों का एक लक्षण है। और दूसरा क्रोध करने की जो भावना है ये तो छोटे छोटे हैं, लेकिन दूसरे बड़े बड़े जो है असुर हुआ करते थे वो है, जैसे असुर हुए हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्याक्ष हुए, रावण हुआ, ये भगवान के प्रति दोष या द्वेष करते थे, क्रोध करते थे लोग, और एक क्रोध ये है, ये अभी सुयंतों का एक स्वरूप है या एक उसका एक प्रमाण। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि ये तो एतद अभी सुयंतो ये लोग रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर और क्या करते हो अभी सुयंतो, और उसके साथ साथ और क्या करते हैं उसके साथ, फिर ये अगली लाइन आती है और वो है न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे मत से मेरे मत को ये लोग क्या करते हैं, न अनुतिष्ठन्ति नहीं करते हैं, क्या करते हैं वो तिष्ठन्ति और न अनुतिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति करते हैं कि तिष्ठित होना, तिष्ठता स्थित होना, सिचुएटेड बैठना, तिष्ठन्ति अनुतिष्ठन्ति, अनु ये शब्द है कि अनु का शब्द जहाँ लगता है ना तो वो आता है कि टू फॉलो समबडी, ऐसा फॉलोज का अर्थ आता है अनु किसी को, तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे मतम को न अनुतिष्ठन्ति। इसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बात है ये न अनुतिष्ठन्ति। और भगवद्गीता में कृष्ण यहाँ पर आपको स्लाइड शेयर की हुई है 2.55 से लेकर 2.72, इसको आप पढ़ के आइए अगली बार जब आएंगे। तो ये श्लोक कृष्ण अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि ये आपके जो तिष्ठन्ति भक्त है, अनुतिष्ठन्ति भक्त है आपके, वो कैसे होते हैं, जरा आप मुझे बताइए वो क्या क्या पालन करते हैं, वो सिचुएटेड कैसे होते हैं, उसके बारे में जरा बताइए, है ना, वो श्लोक आता है उसमें अर्जुन पूछते हैं समाधिष्ट। तो कृष्ण श्लोक क्रमांक 55 से दूसरे आते हैं अंत तक 52 तक वो पूरा वही बताते हैं कि कैसे व्यक्ति होता है वो सिचुएटेड, और उस प्रकार से वो ऐसा व्यक्ति जो नहीं करेगा वो कौन है, न अनुतिष्ठन। तो उसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप यहाँ पर बड़े उत्साह से और बड़े आपके
तेज रफ्तार के इंटरनेट कनेक्शन से यहाँ पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और वैसे आज प्रेजेंटी बहुत कम दिखाई दे रही है आपको, शायद गौर पूर्णिमा होने के बाद भक्तों को लगा कि मंगलवार का प्रोग्राम नहीं है, ये शायद आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई प्रश्न है किसी का तो आप टेक्स्ट नंबर क्या 2.52 मतलब वहीं से पूरा लास्ट आता है, 72 ही लास्ट वर्स ऑफ सेकंड चैप्टर। अच्छा पढ़ के आइए, अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने पढ़ा नहीं तो अभी जाऊंगा ही नहीं, ये जाऊंगी नहीं, ऐसा मत करो। नहीं भी आप पढ़ कर आए तो भी हम है ही इधर, तो नहीं तो बोले कि अरे बाप रे इतना कौन पढ़ेगा। तो और इसका मतलब ये भी नहीं कि चलो नहीं बोला है ना अभी कोई टेंशन नहीं, नहीं पढ़ेंगे ऐसा भी नहीं, पढ़ के आएंगे तो और अच्छा है, समझने के लिए आसान जाएगा। ओके थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। भगवद्गीता महापुराण की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, और खास कर उन भक्तों को जो भक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार से इस गौर पूर्णिमा महामहोत्सव सेलिब्रेशन में सहभागी हुए, और उन्होंने बड़ा अच्छे से और सक्सेसफुल ये प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत ही सहायता की है, इसलिए सारे भक्तों को बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और सबका अभिनंदन कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल सक्सेस किया है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल सबका हरी बोल। राशिता प्रभु की जय।